ओके सो गाइस, जैसे कि मैंने आपके सामने स्क्रीन पे वीडियो को प्ले किया, आपने इस वीडियो को देखा गाइस, इस वीडियो ने पूरे टिकटॉक को हिला के रखा है, पूरे टिकटॉक पे आग लगा के रखा है। तो गाइस इस वीडियो को एडिट कैसे करना, स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। गाइस आपको वीडियो अच्छी तरीके से शूट करना आ गया तो समझ लीजिए वीडियो आपको एडिट करना भी आ गया। आपको वीडियो को तीन पार्ट में शूट करना होगा। फर्स्ट पार्ट आपको इस तरीके से शूट करना होगा, यहाँ पे लिपसिंग करना होगा, अपने बनियान के अंदर आना होगा, इस तरीके से आपको शर्ट को लास्ट में अपने शरीर पे आपको लगा लेना होगा। इस तरीके से फर्स्ट वीडियो शूट हो जाएगा। सेकंड वीडियो का आपको पहले शर्ट पहनना होगा, उसके ऊपर बनियान को पहनने के बाद आपको इस तरीके से शूट करना होगा। आपको अपने हाथों को शरीर पे टच करने के बाद वीडियो को स्टार्ट करना होगा। तो आपको सेकंड वीडियो इस तरीके से गन शूटिंग वाला हो जाएगा। अब आपको थर्ड वीडियो को आपको कहीं पीछे दीवार दिख रही होगी इस वीडियो के अंदर, वहाँ पे मैंने ऊपर से यहाँ पे जंप किया, इस तरीके से आपको थर्ड वीडियो को शूट कर लिया मैंने। तो इस तरीके से तीनों वीडियो को आपको शूट करने के बाद आपको एडिट कैसे करना होगा और किस एप्लीकेशन में करना होगा, तो क्या यहाँ पे आपको काइन मास्टर दिख रहा होगा, आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद में आपको यहाँ पे प्लस के आइकन पे चलना होगा और आपको 9 to 16 में आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको रोज इस तरह के कंटेंट मिलते रहते हैं। आपको ऊपर मीडिया का ऑप्शन दिखाई देगा, मीडिया पे आपको क्लिक करना होगा और आपने जो तीनों वीडियो को शूट किया था उन तीनों को इसमें डाल देना होगा। तो गाइज आपको फर्स्ट में आपको जो फर्स्ट वीडियो था उसको डालना होगा और सेकंड वीडियो को डाल देना होगा। गाइज मैंने यहाँ पे तीनों वीडियो को इसमें डाल दिया। अब आपको फर्स्ट वीडियो पे चलना होगा। तो मैंने फर्स्ट वीडियो पे आ चुका हूँ। अब इस वीडियो का आपको स्टार्टिंग कहाँ से की थी, आपने वीडियो की स्टार्टिंग इस तरीके से, यहाँ से मैंने वीडियो को स्टार्ट किया। तो आपको जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको कट कैसे करना होगा, सीजर पे चलना होगा और ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट कर देना होगा। आपका वीडियो राइट साइड से कट जाएगा। अब आपको यहाँ पे एंड तक चलना होगा। आपने जहाँ तक वीडियो को यहाँ पे सेट को पहनने में यहाँ पे ट्राई किया था, इस तरीके से आपको वीडियो को रख लेना होगा। तो आपको सीजर पे क्लिक करना होगा, ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट कर देना होगा। यहाँ पे आपको वीडियो दोनों साइड से कट जाएगा। इसी वीडियो को भी आप इस तरीके से कर लीजिए। आपने यहाँ पे कपड़े चेंज करने के बाद अपने हाथों को अपने शरीर पर लगाया, इस तरीके से आपको वीडियो को वहाँ तक कट कर लेना होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो स्क्रीन शॉट में भी, इस तरीके से आपको वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करना होगा, सीजर पे चलना होगा और ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्लेट करने के बाद आपको वीडियो कट जाएगा और एंड में आपने यहाँ पे जंप किया वहाँ तक वीडियो को रखना होगा। तो गाइस यहाँ पे जंप करते हुए वहाँ से वीडियो को कट करना होगा। तो आपको सीजर पे चलने के बाद आपको ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट कर लेना होगा और थर्ड वीडियो का अब इसी तरीके से वीडियो को कट कर लेना होगा। यहाँ पे आप जंप करोगे, आप यहाँ पे कहाँ पे जंप करोगे एक बार वीडियो को चलाकर देख लेना होगा, अच्छी तरीके से वीडियो को आपको कट करना होगा। तो गाइस मैं इस वीडियो को यहाँ से कट करना चाहता हूँ जहाँ से मैंने जंप किया। आपको लेफ्ट पे क्लिक करना होगा और आपको सीजर पे जाने के बाद ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्लेट कर लेना होगा और आपको यहाँ पे इसी तरीके से राइट साइड से भी वीडियो को कट कर लेना होगा। जैसे आप नीचे आ जाओगे यहाँ पे राइट साइड से वीडियो को कट करने के बाद इसको स्लो मोशन में कर लेना होगा। तो आपको थर्ड लेयर पे क्लिक करना होगा, स्पीड कंट्रोल पे जाना होगा। स्पीड कंट्रोल पे जाने के बाद आपको इसको स्लो मोशन में इसलिए करना होगा, आप जैसे यहाँ पे जंप करोगे आप 1 सेकंड में यहाँ पे नीचे गिर जाओगे, यहाँ पे आपका वीडियो फिर अच्छा नहीं बनेगा। इस तरीके से आपको स्लो मोशन में करना जरूरी होगा वीडियो को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी तीनों लेयर कट चुकी है। अब इसमें सबसे पहले आपको साउंड ऐड करना होगा, लेयर में चलना होगा, मीडिया में जाने के बाद जो एक वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी, जाकर उसको सेलेक्ट कर लेना होगा, डाउनलोड कर लेना होगा। उसके बाद में ये वीडियो हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब इसको ऑडियो में कन्वर्ट कैसे करना होगा, तो आपको इस लेयर पे क्लिक करना होगा जो आपने वीडियो को अभी लिया था। यहाँ पे सीजर में जाने के बाद एक्सटर्नल ऑडियो पे क्लिक कर देना होगा, तो इस वीडियो का ऑडियो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब हमारा इस वीडियो का कुछ भी काम नहीं, तो सिंपल इसको डिलीट कर देंगे। इस वीडियो में डिलीट करने के बाद यहाँ पे ऑडियो लग चुका है। अब आपको इसमें जो इस तरह का इफेक्ट है इसको कैसे डालना होगा, तो आपको यहाँ पे थर्ड लेयर पे क्लिक करना होगा और आपको स्टार्टिंग पोजीशन पे जाने के बाद आपको इस ऑप्शन पे जाना होगा। सबसे पहले लेयर पे क्लिक करने के बाद इस ऑप्शन पे जाना होगा और आपको ऊपर यहाँ पे कैप्चर को सेलेक्ट कर लेना होगा। गाइज ये फोटो आपकी गैलरी में सेव हो चुकी है। अब इसका बैकग्राउंड को इरेज करने के बाद इसको इसमें डालना होगा। तो आपको यहाँ पे लास्ट में बताऊंगा कि इसका बैकग्राउंड इरेज कैसे करते हैं। उससे पहले आपको यहाँ पे मैंने ऑलरेडी करके रखा है, तो आपको जैसे यहाँ पे इस फोटो को कहाँ पे लगाना होगा, तो यहाँ पे सेकंड लेयर पे आपको जहाँ पे गन की शूटिंग हुई थी, आपने फर्स्ट में यहाँ पे स्काई में जाकर इस तरीके से गन का एक्शन किया था, वहाँ पे इस वीडियो को रखना होगा। तो गाइस यहाँ पे आपको तीन बार आपने गन की यहाँ पे शूटिंग की, तो गाइस ऊपर की तरफ आपने जैसे गन का फर्स्ट यहाँ पे शूट किया उस पर यहाँ पे पहले वीडियो को रख लेना होगा। तो आपको लेयर में चलना होगा, मीडिया में जाने के बाद आपने फोटो का बैकग्राउंड को हटाया था उसको इसमें डालना होगा। तो यहाँ पे डाउनलोड में जाने के बाद उस फोटो को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस हमारी फोटो कुछ इस तरीके की थी, तो यहाँ पे आपको दिख रही होगी। इसको आपको फुल स्क्रीन में करने के बाद आपको यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी फोटो, जैसे आपको अभी पता नहीं चलेगा। उसके बाद आपको इस फोटो को करना क्या होगा, एंड तक कहाँ तक रखना होगा, तो आपकी सेकंड लेयर जहाँ तक खत्म होती है वहीं तक इस फोटो को रखना होगा। उसके बाद आपको सीजर पे जाने के बाद ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट कर देना होगा। तो आपकी फोटो को करना क्या होगा, यहाँ पे क्रॉपिंग के ऑप्शन पे जाने के बाद इसको क्रॉप करना होगा, जहाँ पे आप देख पा रहे हो इस तरीके से इसको क्रॉप करना होगा।
ये फोटो यहाँ पे क्रॉप हो चुकी है। उसके बाद आपको इस फोटो पे फिर से क्लिक करना होगा। यहाँ पे थ्री डॉट पे जाने के बाद इसको डुप्लीकेट कर लेना होगा। डुप्लीकेट मैंने जैसे ही किया उसके बाद आपको फिर से क्रॉपिंग के ऑप्शन पे जाना होगा। आपको इसको नीचे की तरफ रख लेना होगा, यहाँ पे इस तरीके से रख लेना होगा। और उसके बाद आपको फिर से इसको थ्री डॉट पे जाने के बाद डुप्लीकेट कर लेना होगा। गाइस यहाँ पे तीन लेयर हो चुकी है, तीसरी लेयर पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्रॉपिंग के ऑप्शन पे जाने के बाद इसको फुल कर लेना होगा, यहाँ पे फुल ही रखना होगा। तो गाइस यहाँ पे मैंने तीनों को कर लिया। अभी इसको एडजस्ट कैसे करना होगा, अपने फर्स्ट गन का शॉट क्या था वहाँ पे आपको फर्स्ट लेयर को रखना होगा, सेकेंड वाली फोटो की उसको थोड़ा सा 1 सेकेंड आगे रखना होगा। 1 सेकेंड आगे रखने के बाद थर्ड वाली फोटो थी उसको भी आपको 2 सेकेंड आगे रखना होगा। तो गाइस आपकी फोटो कुछ इस तरीके से आपकी तीनों फोटो आ जाएगी, जैसे आपने यहाँ पे हाथ से गन का यहाँ पे किया था उस तरीके से आपका रखना होगा। आपको यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर आपको तीनों फोटो को लगा लेना होगा कुछ इस तरीके से। आपको चला कर दिखाता हूँ। तो गाइस इस तरीके से आपका वीडियो यहाँ पे बन जाएगा। अब आपको यहाँ पे जो एंड में जो एरोप्लेन वाली फोटो आती है उसको कैसे लेके आना होगा, जो एरोप्लेन आती है पीछे उसको कैसे लेके आना होगा, तो लेयर में जाना होगा, मीडिया में जाने के बाद आपको डाउनलोड में जाना होगा। सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, इसकी भी PNG आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जाकर डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद जो फोटो को आपको यहाँ पे कॉर्नर में लगाना होगा, इस तरीके से आपको एंड पोजिशन तक लगाना होगा। आपको इस लेयर पर क्लिक करना होगा फोटो पे, और इसको जहाँ तक आपकी लेयर है सेकेंड लेयर वहाँ तक रख लेना होगा। और आपको फिर से इस फोटो पे क्लिक करने के बाद स्टार्टिंग पोजिशन पे आना होगा। आपको यहाँ पे चाबी का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस चाबी पे क्लिक करना होगा। आपको 1 सेकंड वीडियो को आगे चलाना होगा। 1 सेकंड चलाने के बाद आपको यहाँ पे प्लस के आइकन पे टैप करना होगा, और इस आपको एंड पोजीशन तक आ जाना होगा। एंड में आने के बाद आपको फिर से इसी पे क्लिक करना होगा, और इसको आपको एंड तक लेके आना होगा। इस तरीके से फोटो को यहाँ पे रख लेना होगा दो बार टैप करने के बाद। अब आपको ये वीडियो को चला कर दिखाता हूँ कि आपको वीडियो किस तरीके से पूरा बन चुका है। तो गाइस हमारा वीडियो बिल्कुल अच्छी तरीके से बन चुका है। अब आपको यहाँ पे शेयर के ऑप्शन पे जाना होगा, वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना होगा। गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, क्योंकि इस चैनल पे आपको रोज इस तरह के कंटेंट मिलते रहते हैं।